राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, जीरा और राई डाल दी है, और ये प्याज हरी मिर्ची डाल दी है। मैक्रोनी भी धुल के साफ़ कर ली है। इसमें जब ये प्याज थोड़ी सी भुन जाएगी तो ये टमाटर भी ऐड कर दिए इसी में। अब मैक्रोनी धुली हुई इसमें अच्छे से डाल दी है। थोड़े से सूखे मसाले डाले जाएंगे, नमक है, धनिया है, मिर्ची है, ये सारी चीज़ें। मेरे पास विनेगर और सोया सॉस जो है ख़त्म हो गई है, नहीं तो मैं वो भी इसमें ऐड करती हूँ, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और लास्ट में मैं इसमें एक पैकेट मैगी मसाला डाल देती हूँ, उससे तो बहुत ही बढ़िया लगने लगती है। कभी कभी रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता है तो हम लोग का नाइट का खाना ये भी हो जाता है। तो हमारी मैक्रोनी जब तक बन रही है साथियों, राखी का त्यौहार तो निकल गया है, अब हमारे लल्ला के आने का इंतजार है। हमारे कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी आएगी तो हम वो भी सब सेलिब्रेट करेंगे, उसी का इंतजार हो रहा है। अब ये आप देख रहे होंगे कि मैक्रोनी बन रही है, हरी धनिया भी डाल दी है, मैगी मसाला भी डाल दिया है। हमारी मैक्रोनी बनके तैयार हो गई के मैक्रोनी का आनंद लेंगे, उसके बाद फिर अपना लक्ष्य का पढ़ाई लिखाई जो भी रहे समय। और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है दोस्तों, लक्सोड़ी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे कपड़े घड़ी बनाने को रखे हैं। मैंने दिखाया था आपको कि मैंने एक रैक मंगवाई है, तो वह मैंने साइड में रखी हुई थी और आज थोड़ा समय मिला है तो मैं उसे एडजस्ट कर रही हूँ। राशन का सामान वगैरह भी सब भरना है। और ये आप देख रहे होंगे, ये एक रैक ऐसी लगी हुई है, छोटी छोटी सी डब्बी उसमें रखी हुई हैं। ये सारा कुछ हटा दिया है मैंने और ये पूरी रैक जो है इस तरीके से इसमें एडजस्ट कर दी है। जितने भी डब्बे छोटे मोटे थे उन सबको धुल के साफ़ करके इसी पूरी रैक में, जिसके जो पांच बॉक्स बने हुए हैं इनमें सब मैं एडजस्ट कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि लक्ष्य पढ़ाई छोड़ के ये काम करने लगे, ये सारे डब्बे धुल के साफ़ करके सब एडजस्ट करेंगे। ये आप देख भी रहे होंगे चल रहा है काम सारा। तो हमारी जो किचन की स्लैब है उस पर थोड़ी जगह हो जाएगी और वो बीच में खिड़की पर टंगी रहती थी, अच्छी भी नहीं लगती थी। जिस तरीके से सामान होता है उसी तरीके से एडजस्ट करते हैं, चीज़ें आती जाती हैं, अपन उन्हें व्यवस्थित लगाते जाते हैं। तो अब मैं ऊपर चढ़ के जो भी सामान हमारा है वो भी मैं ऊपर एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक ठाक कर रही हूँ। कभी जब टाइम मिलता है तो मैं ऐसा सब कर लेती हूँ, जब नहीं मिलता है तो फिर पड़ा रहता है, छोड़ देती हूँ मैं। तो वही सारा कुछ देख रही हूँ कि कहीं कुछ गंदा या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। और जो वो रैक निकली हुई थी प्लास्टिक वाली, वो मैंने इसी बाथरूम में टांग दी थी उसको। अब बाथरूम का जितना भी सामान रहा करेगा, ये देख रहे होंगे कि सर्फ है, साबुन है, मंजन है और कपड़े धोने की साबुन है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं उसी बास्केट में एडजस्ट कर दूँगी। ये सारा कुछ बाथरूम में लगा दिया है, सर्फ वगैरह सारा डिब्बे वगैरह उसके, तो सही रहेगा। कहीं की किट निकली हुई कहीं पर एडजस्ट हो गई है और सही भी लग रही है। ये शाम का समय है, करीब 7:30-8 बज रहे हैं। लक्ष्य का सैलेड खाने का मन है, खाना नहीं खाएंगे वो, तो मैंने ये सैलेड उनके लिए काटी हुई थी, वो खा लेंगे। दोस्तों ये टीवी की जगह चेंज हुई थी तो उसमें ये पिंक कलर नीचे से दिखता रहता था, क्योंकि पहले टीवी नीचे को लगी हुई थी, अब मैंने थोड़ी ऊपर लगवा दी थी, फिर इसी बीच पेंट हुआ होगा तो वो पेंट पिंक कलर का अलग से ही दिखता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ और समय भी नहीं मिलता था। आज मुझे थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सा वेस्ट आइटम हमारे यहाँ पड़ा हुआ था, एक गत्ता पड़ा हुआ था, गत्ते का टुकड़ा और ये कुछ सामान था, तो मैंने उसका एक छोटा सा हाउस बनाया हुआ है, उसी को कलर कर रही हूँ। और समय था तो मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं, वो उसी जगह पे पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे, तो थोड़ा अलग सा लगेगा। अब जैसा भी घर है उसी में एडजस्ट तो करना ही है, उसी को अच्छा भी बनाना है दोस्तों, तो वो पिंक कलर छुप जाएगा तो सही लगेगा। साथियों हमारा स्वीट हाउस बन ही रहा है, मेरे पास कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए थे तो मैंने ये कुछ कांच भी लगा दिए हैं, कुछ बीट्स भी लगा दिए हैं और स्वीट होम लिख दिया है, एक हार्ट भी
पेस्ट कर दिया है। जो भी चीज़ें मुझे मिलती जाएंगी मैं इसमें लगाती जाऊंगी और अपना मन करती जाऊंगी, मेरा मन से मेरे भाव से मैं मेरा घर सजाती जाऊंगी। तो ये लगभग बन के तैयार हो गया है। मैंने ये जो पिंक कलर की जगह आप देख रहे होंगे ये पहले पेंट था, उसके बाद फिर मैंने ये लाइट येलो पेंट करवाया था, तो वो जगह अच्छी नहीं लगती थी, कई लोग टोकते भी थे ये क्या है ये क्या है, तो आप उन किस किस को क्या क्या बताते जाएं। तो मैंने इस तरीके से बनाया है। अब जो जितने दिन भी लगा रहेगा उसके बाद फिर मैं कुछ और दूसरा बना के पेस्ट कर दूंगी, उसके बाद तक तो फिर दिवाली आ ही जाएगी तो पूरा ही कलर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, बताइएगा कि कैसा बना है। छोटा सा प्यारा सा हाउस बनाया है, स्वीट होम बनाया है हमारा। साथियों, मैंने वॉल पे होम स्वीट होम पेस्ट तो कर दिया है, पर थोड़ा थोड़ा पिंक कलर दिख ही रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं, वो अंदर को है तो दूर से नहीं दिखेगा। ये मैं स्कूल से आई हूँ, पूरा भीग गई हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो मेरी यूनिफॉर्म सब भीग गई है, और घर आते देखा कि मेरी नीति की राखी आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरा भैया खुश है कि मेरी भी राखी आ गई है, अब जन्माष्टमी पे बनवा दूँगी मैं। लक्ष्य को कुछ बुक्स की ज़रूरत थी तो हम लोग लक्ष्य के लिए ये कॉपीज़ लेके आए हैं, और जो इंडिया का मैप होता है वो भी इनको ज़रूरत थी तो लेके आए हैं, एक रफ रजिस्टर लेके आए हैं। और साथ ही साथ मैं ये एक ये कार्टून का ये लेके आई हूँ, बच्चों को रिमार्क दिया करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसकी शॉप पे बहुत सारे थे तो ये स्माइल